वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीआईटीएस एडमिशन 2023 से संबंधित। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीआईटीएस की कौन से कॉलेज में हॉस्टल है, कौन से कॉलेज में हॉस्टल नहीं है। देखिए, होता क्या है कि सीआईटीएस में एडमिशन होने के बाद जब कॉलेज मिलता है तो वहाँ पर स्टूडेंट को रहने के लिए हॉस्टल की ज़रूरतें पड़ती हैं। क्लियर है? तो कुछ कॉलेजें सीआईटीएस की हैं जिसमें गवर्नमेंट की ओर से हॉस्टल अवेलेबल है और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पे हॉस्टल नहीं है। क्लियर है? अगर हॉस्टल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है, आउटसाइड कहीं पे आपको रूम लेना पड़ता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, रूम रेंट ज़्यादा लगता है। और जो कॉलेज की ओर से हॉस्टल दिया जाता है उसमें रेंट बहुत कम लगता है, लाइक डेट 100 रुपये के आसपास लगते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से सीआईटीएस के कौन से कॉलेज में हॉस्टल है और कौन से कॉलेज में हॉस्टल नहीं है। तो चलिए, नीमी की ओर से लिस्ट जारी किया गया है कि कौन से कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल है और कौन से कॉलेज में हॉस्टल नहीं है। इस वीडियो में हम ये देखते हैं। फाइनली जो है सीआईटीएस की जो नीमी की ओर से जारी किया गया है नोटिफिकेशन, वो हम देख लिए, वो हम लाए हैं, आप देख सकते हैं इन एनएफटीआई कैंपस। एनएफटीआई के बारे में बताया गया है कि कौन से एनएफटीआई कॉलेज हैं जहां पे हॉस्टल अवेलेबल है। क्लियर है? ये वेबसाइट से जाकर के आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहां पे हम सबसे पहले आते हैं तो देख सकते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, कॉलेज का नाम है, यहां पे हॉस्टल रूम हॉस्टल है। यहाँ पर बात किया जाए तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉलेज नेम की, तो आप देख सकते हैं एनएफटीआई मुंबई। एनएफटीआई मुंबई में अगर हॉस्टल की बात किया जाए तो यहाँ पे 200 अवेलेबल है, लेकिन ये ओनली बॉयज़ के लिए है, वुमेंस के लिए नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है, ये जो है बॉयज़ के लिए है लेकिन ये वुमेंस गर्ल्स के लिए नहीं है। एनएफटीआई कानपुर की बात किया जाए तो 250 सीटें बॉयज़ के लिए भी हैं, 50 जो है गर्ल्स के लिए हैं। क्लियर है? अब हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में क्या क्या सुविधा है। जैसे मेस है, यस, दोनों कॉलेज में मेस अवेलेबल है, वाईफाई भी अवेलेबल है, एटीएम बैंक है, नहीं है मतलब कैंपस में नहीं होगा, उसके आसपास कहीं होगा। कैंटीन है, यस, अवेलेबल है, ए मतलब हुआ अवेलेबल है। ठीक है, लाइब्रेरी है, दोनों में अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर कॉलेज की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे एनएफटीआई आप लुधियाना देख लीजिए तो यहाँ पर है, एनएफटीआई आप जोधपुर देख लीजिए तो यहाँ पर कोई भी हॉस्टल नहीं है, एन ए मतलब हुआ नॉट अवेलेबल। ठीक है, हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर हॉस्टल नहीं है तो आपको हॉस्टल मिलेगा नहीं तो आउटसाइड लेना पड़ेगा। इसीलिए कॉलेज वगैरह आप चुनिएगा तो आप देख लीजिएगा कहाँ पे हॉस्टल है, कहाँ पे हॉस्टल नहीं है, ध्यान रखिए। अब हम वुमेंस कॉलेज में आ जाते हैं, सभी जो गर्ल्स की कॉलेज हैं अगर वहाँ पर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं एनएफटीआई नोएडा की अगर बात किया जाए तो 113 रूम अवेलेबल है। ठीक है, बॉयज़ का कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये जो है वुमेंस कॉलेज हैं तो यहाँ पे बॉयज़ के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है, ओनली गर्ल्स के लिए। एनएफटीआई नोएडा की बात किया जाए 113, एनएफटीआई इंदौर में 28 है, एनएफटीआई मुंबई में 8 है, एनएफटीआई देखिए वुमेंस की बात हो रही है, क्लियर है, बंगलौर में 28 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएफटीआई इसमें भी है, त्रिवेंद्रनाथपुरम में भी है, ए मतलब अवेलेबल है। तो इस टाइप से आप अपना देख सकते हैं, कोलकाता है, जोधपुर है, तुरा है, इलाहाबाद की अगर बात किया जाए टोटल 101 है, कोलकाता की बात किया जाए तो 50 है, राजपुरा की बात किया जाए तो वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप देख सकते हैं शिमला है, तिरछी है, तो यहाँ भी कोई भी हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। पटना की बात किया जाए एनएफटीआई वुमेंस कॉलेज की तो वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, आपको प्राइवेट से हॉस्टल और मेस दोनों लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आप ज़रूर देख लें और देखने के बाद ही आप क्या करें, अपना कॉलेज को च्वाइस करें, क्योंकि जहाँ पर हॉस्टल या रूम रहेगा वहीं पर आपको कॉलेज, वहीं पे आपको क्या करना है, रूम मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे हॉस्टल नहीं है, बाद में क्या होता है जब एडमिशन हो गया, सर इसमें तो हॉस्टल है नहीं है, गलती से फॉर्म यहाँ चुना गया, तो वो सब अभी आप देख लीजिए कि कहाँ हॉस्टल है, कहाँ आपको कॉलेज लेना है, कहाँ नहीं लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। सीटें की बात किया जाए सीट भी पूरा यहाँ पर मेंशन है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सीआईटीएस से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।